सलाम करो, सलाम तो करो। इस्त्री वाले कपड़े पाते कोई कहीं चीज का तेरे अंदर तरीका भी है जा का है ना। पूरी इस्त्री इसने खराब कर दी। अभी मैंने सारे कपड़े इतनी मेहनत से इस्त्री किए। इनका लंच एक एक बिस्किट भी साथ दे दूंगी और ये भी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम अपना व्लॉग घर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सब्जी और ये मेरी रोज की रूटीन है, सुबह के लिए खाना बना और सब्जी बन रही है और मैं वेट कर रही हूँ सब्जी बनेगी जिसके बाद मैं निकलूँगी काम पे। बच्चे दोनों स्कूल चले गए और बस थोड़ा सा काम रहता है, बाकी काम तो मैंने कर लिया है। न्यूज़ भी सुन ली मैंने, कोई अच्छी खबर नहीं होती टीवी पे सुबह सुबह, इसको चलाना भी समझो जिस दिन चला लो पूरा दिन सर में दर्द होता है इनकी खबरें सुन सुन के। और दूसरी बात यह है कि ऐसी मौत पड़ती है ना यहाँ से सुबह सुबह जाने में, क्योंकि है ना पूरा पूरा रोड आगे से बंद है और है ना बहुत तकलीफ़ होती है चलते जाने के लिए ना। तो बस ये काम में जल्दी से समेटती हूँ और जाते हैं घर पे। आप व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं तो आपने मेरे साथ ही रहना है और व्लॉग को कंटिन्यू करना है। स्टार्ट वेरी गुड टू, हम आए हैं यहाँ काम पे जो कि आप देख ही रहे हैं कि हम आलू छील ही रहे हैं और हम इनको काट ही रहे हैं और इनके आलू के पराठे बना रहे हैं। जरा पी उदय हो इतना मिर्चा खा के निकाल में घुसा जाए। अच्छा ये मैंने आलू मिर्ची चॉप करके रखी है आलू के पराठे के लिए और आलू के पराठे बना रही हूँ, मिट्टी कबाब बना रही हूँ और चिकन का शोरबा। मेन्यू मुझे वैसे भी पता चल गया है और कहते हैं क्या बनेगा ये भी मुझे पता चल गया है, पर कोई चाहता ही नहीं है मैं वीडियो बनाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ। और बस आप ही क्या कर रही हो? तेरा साल कर रही हूँ, कबाब बना रही हूँ मुट्ठी कबाब। आपकी बच्ची इधर आओ, ये देखें हम बना रहे हैं मुट्ठी कबाब और ये मुट्ठी कबाब का मसाला है, ये मैं हूँ, ये मेरा मसाला है और ये कबाब बन रही है। और कबाब बनेगी और चिकन का शोरबा, आलू के पराठे भी बने। मैं यहाँ से चढ़े कबाब है। अच्छा नहीं क्या ले रुकना बस ठीक है आगे बात। डब्बे में डब्बा डब्बे में आटा स्टार्ट ही पता नहीं करें दिए जाके यार बार बार कैमरा बंद कर देंगे मेरे को अभी मैं व्लॉग बनानी क्या देना झूठी। ये देखिए मैं मुट्ठी कबाब बना रही हूँ और ये उसका मसाला है। अगर ये वीडियो ना पढ़ दी फिर मैं तेरा सिर फड़े सा चुकी तो मैं निकाल याद रखी मेरे मजाक बड़े ही करी रानी मेरे को आगे मैं वीडियो बड़े नहीं कर लेकिन वीडियो कह नहीं होगी जिसे मैं चेक कर रही हूँ हर वक्त। और ये हमारी कबाब है जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी आधी अधूरी क्योंकि टाइम नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो ब्लॉग भी नहीं पड़ेगा। हाय रोल तक गए पर चाचू अपनों ने भी छोड़ा गैरों ने भी छोड़ा मेरी कश्ती बन या नहीं नहीं कश्ती को छोड़ो आए भी अकेले थे कबर नहीं दुनिया में आए भी अकेले थे और जाएंगे भी अकेले इसीलिए किसी की जरूरत नहीं मुझे, हम खुद ही काफी हैं अपने लिए। बस अब हम काम करते हुए बिल्ली का बच्चा मार गए छोटा वाला। हाँ मार गए, चार बच्चे मर गए बिल्ली के जो मेरे ब्लॉग में है। और ये गम भाई तेरे जाने का गम फिर नहाने का गम और जमाने का गम बस कर देख ली देख मेरा तैयार है बिल्कुल। अब इसमें मैं ये सजा दूंगी रिंग्स
एक हाथ से सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। जब कोई मदद ना करना चाहे तो मुश्किल तो होगी ना। मेहनत हो रही है। काम करना आसान है क्या? नहीं, मुश्किल है ना। बस कोई मुश्किल काम नहीं भी कर रही हूँ। लहसुन पीस रही हूँ, लहसुन पीस लिया, अदरक पीस रही हूँ, लहसुन और अदरक पीस के रख रही हूँ जो के सूजी ने छीला है मेरे साथ, और लहसुन पीस लिया। मेरा काम ख़त्म। अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब हम घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? काम हो चुका है यहाँ से मेरा। चूजी झाड़ू लगा रही है अपना किचन का, एक और लड़की बर्तन धो रही है। मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अपने घर जा रही हूँ और बस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, घर जाते हैं। और आज मुझे मेट्रो मिल गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे अभी जाते वक्त भी मिल जाए, बहुत सुकून से, चाहे खड़े भी रहो ना तो भी सुकून से, क्योंकि ना बहुत स्पेस होता है इसमें, काफ़ी जगह होती है खड़े रहने के लिए। और पकड़ने के लिए रस्सियाँ भी दी हैं स्पेशल वाली, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, मुझे लगता है 8 दिन बाद इस बस का खाना ख़राब कर देंगे जिस तरीके से हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल चलते हैं यहाँ से, निकल और करते हैं। घर आई, घर का काम किया, साफ किया, अब मैं कर रही हूँ आराम। बच्चे नहीं आए ट्यूशन से, उनका वेट कर रही हूँ। टाइम से आ गई थी, मेट्रो मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम बच जाता है। अगर मुझे मेट्रो मिल जाती है तो डबल डबल गाड़ियाँ में चेंज नहीं करनी पड़ती। बस अपनी मूवी इंजॉय करते हैं और हम खाते हैं सेफ। ब्लॉग को कंटिन्यू करना, खत्म कह नहीं दिया। बाला में उन्हें रोटी खवावा, कल छुट्टी है, भले आराम नाल सुन ट्यूशन नु आवे, बस वेट करे रुपया। जैन आपकी इंग्लिश की बुक मिल गई? गुम हो गई थी। हाँ। कहाँ पे थी? टीचर के पास। स्कूल में ट्यूशन में? स्कूल में थी। जाते हुए भी रोता है, आते हुए भी जाते, पढ़ने के नाम पे। मानूर आज आपने क्या बनाया? ये मैंने देखा अभी, दिखाओ मुझे, यहाँ पे शो करो। मनु दिखाओ, ये मैं घर पे नहीं थी ना, ये मानो ने क्या बनाया है, देखें बॉक्स पे। अच्छा ना, वापस लगाओ सही से। मानो दिखाओ, मानो ने मक्का बनाया है। शाहजहन नहीं करो ना उसको तंग, क्या कर रहे हो? मानूर कितना प्यारा बनाया है माशाल्लाह, बिल्कुल मक्का की तरह बनाया मानूर पूरा। इधर आओ सही से दिखाओ तो सही ना। आपने खुद बनाया या किसी ने आपकी हेल्प की? पूरा सब कुछ खुद किया है? खुद बनाया, दोस्त के साथ बनाया। वो बस कट करके दे रही थी, आपने बनाया उसमें से मुझे बॉक्स से कट करके दिया। प्यारा बड़ा है मानो, तेरे तल्लू क्या डाली आगे? मानो थोड़ी सी और ग्लू चिपकाओ, पक्का करना खराब। मैं बोल रही हूं ये इसने पूरा मेहनत से बनाया है माशाल्लाह, कितना प्यारा है। वाह मेरी बेटी ने कितना प्यारा मक्का बनाया। मानो किसने बनाया है? मैंने। आपने बनाया है? कब बनाया था? ट्यूशन से आके? ट्यूशन जाके फल बनाया। अरे वाह देखें कितना प्यारा, ये छत पे ऊपर बैठी रही थी और मुझे पता नहीं था कि ये कर रही है। और मानो ने ये मक्का बनाया है पूरा खुद से, पता नहीं किस चीज से बनाया, बॉक्सेस वगैरह और शीट्स वगैरह लेके आई थी। रखो मानो इसको स्कूल ले जाना, ठीक है?
सलाम कर दो सबको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और मानो ने ये बनाया था कितना अच्छा है ना, पता है मानो आज भी मुझे मेट्रो मिल गई थी वापसी पे, और मैं इतनी जल्दी पहुंच गई घर पे, पता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मैं आई तो 2 मिनट के बाद मुझे अपनी मेरी गाड़ी मिल गई और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ना बहुत आरामदेह होती है और बहुत सेफ है, बहुत अच्छी है, टाइम से पहुंचा देती है। एक ही गाड़ी चेंज करनी पड़ती है बस, मतलब उसी में बैठ के आ जाती हूँ, मतलब चेंज नहीं करनी पड़ती, सॉरी, एक ही गाड़ी आती है वहाँ से, जो मेरे लिए बहुत सहूलत हो गई है, जिसके लिए मैं, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और क्या कहते हैं, बस आज की अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, मैं जिसके लिए बहुत खुश हूँ, और अल्लाह ताला हमें अपने घर बुलाए, आमीन। और क्या मानो, हाँ मानो कह रही है, हमें बिल्कुल रियल लग रहा है, मक्के की तरह दूर रख के इसने ऊपर अलमारी के ऊपर रख दिया है सजा के, है ना शादा नाम बच गए सारे वांडा दीते आनी, हाँ मैंगो, फ्रिज खराब है हमारे, आम सारे हमने बांट दिए, हमें हमारे नसीब में नहीं होंगे, जो खा सके खा लिए, बाकी दे दिए, क्योंकि वरना सारे हमें फेंकने पड़ते, जिसका मुझे और भी ज़्यादा गुनाह मिलता, ठीक है। तो बस हमने ना आम बांट दिए, आम ख़त्म हो गए, फ्रिज, ये वाला फ्रिज अब मैं बेच रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये यहाँ नहीं चलता, यहाँ इतनी बिजली नहीं होती कि इस फ्रिज को चला पाए, तो बस इसको बेचते हैं और छोटा सा कोई नया फ्रिज लेते हैं जो हमारी फैमिली के लिए भी पूरा हो और चल भी जाए, मतलब उसको एनर्जी, मतलब जितनी बिजली वो डीसी होता है, एसी होता है, जिसके अंदर बिजली कम जो लेते वो वाला लूँगी इंशाल्लाह। और बस मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे किसी ने बताया, तो आप सब दुआ कीजिएगा अम्मी ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास गई थी आज, और बस दुआओं में याद रखा करें लाजमी। इसको देखें क्या कर रहे हैं, फटी हुई पैंट पहन के कह रहे हैं अम्मी, बच्चे ट्यूशन में कह रहे थे फटी हुई पैंट दे दो, ट्यूशन टीचर ने कहा पैंट फटी हुई नहीं है, ये डिजाइन है, फैशन आजकल का। रो रहा था, मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, तो बाद में पता चला इस चीज के लिए रो रहा था। बहरहाल ओए जैन, इसका जख्म भी थोड़ा वापस कच्चा हो गया है, पट्टी करनी है, हाँ इसको पट्टी करती हूँ। और बस खाना खा लिए हमने, और अब हम, इनकी तो छुट्टी है वैसे, ये सोने का इनका इरादा नहीं लग रहा, पर मुझे नींद आई है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और मेरी बहुत टफ रूटीन होती है, तो इस वक्त मैं तो बिल्कुल नहीं जाग सकती, मैं पढ़ूंगी नमाज और मैं सोऊंगी, और ये जो करते हैं करें, पर मैं सो रही हूँ। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, दुआओं में याद रखा करें, और अगर मुझे घंटी का बटन लगाना नहीं आता तो वैसे शेयर और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बस अगली व्लॉग तक के लिए सबको मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, मानुर की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़।